दोस्तों स्वागत है आपका कुलदीप यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम लेके आए परसेंटेज का भाग 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछी जाती हैं। तो जैसे कि दोस्तों कल जो दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दिया था, उस क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों एक व्यक्ति अपने प्रारंभिक पूंजी का 50% बैंक में जमा करता है, यानी कि दोस्तों हमें पता है इनिशियल अमाउंट इनटू, अब क्यों कह रहा है दोस्तों, उसके बाद पुनः बढ़ी हुई राशि, ध्यान से देखिए बढ़ी हुई राशि, यानी कि दोस्तों 50% का मतलब आपको पता है कितना होता है, 50% का मतलब दोस्तों कितना हो गया, 1/2। अब दोस्तों इसकी बढ़ी हुई राशि कितनी हो जाएगी, 3/2, यानी कि 3/2 की बात कर रहा है। फिर कह रहा है 20% बढ़ी हुई राशि का 20% जमा करता है, 20% दोस्तों कितना होता है, 1/5, यानी कि अब ये करेगा 6/5। ठीक है दोस्तों, यदि कुल राशि 18,000 रुपये है या हो गई, तो प्रारंभिक बताइए, इसका मतलब ये 18,000 के बराबर दे रखा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, बराबर कितने दे रखा है, ये बराबर दे रखा है 18,000 के। अब देखिए दोस्तों इसको काटेंगे, 2 × 3 = 6 हो गया, ये लिखता हूँ दोस्तों मैं, ये दोस्तों इनिशियल अमाउंट इंटू 50% का मतलब 1/2, यानी कि ये 3/2 इंटू ये हो गया दोस्तों 6/5 बराबर 18,000 के, ये 2 × 3 = 6 हो गया दोस्तों, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, यानी कि दोस्तों ये आंसर आ गया हमारा 10,000। एक तरीका तो दोस्तों ये है, एक तरीका दोस्तों क्या है, आपने दोस्तों एक्स प्लस वाई, एक्स परसेंट इंटू वाई परसेंट अपॉन 100 वाला हम तरीका लगा सकते हैं। इससे दोस्तों देखिए कैसे करेंगे हम, अब दोस्तों देखिए कितना है, पहले तो हमारा है 50% प्लस 20% इंटू इसका भी बड़ा हुआ 20%, यानी कि दोस्तों ये 10 हो जाएगा, ये हो गया दोस्तों 70 प्लस, और यहाँ से आया 10, इनकी टोटल कितना है 80। अब दोस्तों जो इनिशियल अमाउंट है हमारा, यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि इनिशियल अमाउंट मान लीजिए हमने 100 है, 100 पे कितना बड़ा 80, यानी कि दोस्तों कितना बढ़ाना है हमें, 180। अब 180 दोस्तों किसके बराबर है, 180 दोस्तों बराबर है 18,000 के, यानी कि ये कितना जाएगा, 10 बार जाएगा, तो ये भी दोस्तों 10 बार जाएगा, ये जाएगा 100 बार जाएगा दोस्तों, तो ये भी 100 बार जाएगा, तो आंसर कितना हो गया दोस्तों, 10,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति के लॉकर में 4,800 रुपये 2 वर्षों के लिए थे, ठीक, पहले वर्ष में उसने अपनी राशि का 20% जमा किया और दूसरे वर्ष बढ़ी हुई राशि का 25% जमा किया, तो वर्तमान में उसकी राशि क्या है, इसको भी दोस्तों वैसे ही करेंगे हम। देखिए अब देखिए दोस्तों वही 20% प्लस 25% 20% इंटू 25% अपॉन 100, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 45% प्लस 5%। अब दोस्तों 4,800 रुपये है, यानी कि इसका कितना बढ़ाना है, 50%, तो इसका 50% दोस्तों कितना हो जाएगा, 2,400 रुपया, और 2,400 रुपये इसमें जोड़ देंगे क्योंकि बढ़ी हुई राशि पूछा है, वर्तमान में राशि पूछा है, तो दोस्तों 4,800 में 2,400 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7,200, तो दोस्तों हमारा आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया दोस्तों हमारा 7,200। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों हम, अगला सवाल दोस्तों हमसे कह रहा है कि राधा अपनी तनख्वाह का, यानी कि आय का 40% खाने पे खर्च करती है,
और 20% घर के किराए में, 10% मनोरंजन में, 10% भाड़े में। अगर वह महीने के अंत में 1500 रुपये बचाती तो हर महीने उसका वेतन क्या है? अब देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। आप देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू है। टोटल एक्सपेंडिचर देख लेते हैं राधा का। टोटल एक्सपेंडिचर देखिए दोस्तों, 40 + 20 + 10 + 10, ये टोटल एक्सपेंडिचर दोस्तों कितना हो गया? 80 हो गया। अब चूंकि दोस्तों हमें इसकी सेविंग निकालनी पड़ेगी, तो सेविंग दोस्तों कितनी जाएगी? 100 - 80 = 20%। अब दोस्तों सेविंग ही कितनी है? 150% दे रखी है हमें, तो 20% अगर 150 के बराबर है दोस्तों, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? ये काट देंगे आप, तो ये दोस्तों समथिंग लाइक दैट आएगा, 150/20 × 100, यानी कि दोस्तों 2 × 5 = 10, 15 × 75, यानी कि दोस्तों आंसर हो गया हमारा 7500। बहुत सिंपल था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपूर अपनी इनकम का 20% घर के किराए में खर्च करते हैं और बचे हुए का 70% घर के खर्चे में खर्च करते हैं, यानी कि हाउस होल्ड पर। यदि वे 1800 रुपये बचाते तो उनकी कुल आय कितनी है? अब देखिए दोस्तों, 20% तो वो खर्च करते हैं, 20% खर्च किया प्लस और बचे हुए का 70%, यानी कि दोस्तों बचा कितना? 80% बचा हमारे पास, उसका 70% खर्च कर दिए दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये कितना हो गया? 56, और 56 और 20 कितना हो गया? 76। अब दोस्तों देखिए, 76 खर्च हो गया, लेकिन हमें दे रखी है क्वेश्चन में कि ये वह 1800 रुपये बचाते हैं, बचत, तो ये तो दोस्तों खर्चा हो गया हमारा, तो बचा कितना दोस्तों? 100 में से घटाएंगे तो 24 बचा, और दोस्तों यही 24 हमें दे रखा है किसके बराबर? 1800 के बराबर, तो दोस्तों 100 के बराबर कितना हो जाएगा? 1800/24 × 100। अब इसको दोस्तों काटेंगे, जब काटा पीटी करेंगे दोस्तों कितना जाएगा? 1800/24 × 100, इसकी काटा पीटी करेंगे दोस्तों ये आएगा 7500। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसी व्यक्ति के वेतन में 25% की कमी होती है और बाद में घटी हुई आय के में 25% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो उसकी नई आय क्या है? अब देखिए दोस्तों, इन तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, हम एक्स पाई वाला मेथड अप्लाई करते हैं इसमें। हम कह रहा है 1% सैलरी डिक्रीज बाय 25%। अब देखिए दोस्तों, तो -25 लिख लेंगे। अब उसी घटी हुई में क्या होती है? 25% की वृद्धि होती है, बस। फिर -25 × 25/100, ये वही है दोस्तों x + y + x5 × 100 वाला मेथड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये? अब इसको काटा पीटी करेंगे दोस्तों हम, तो ये तो कट जाए दोस्तों, ये तो कट जाएगा, और दोस्तों ये हो जाएगा माइनस का 625/100, और ये कटेगा दोस्तों आएगा 6.25 माइनस का, यानी कि दोस्तों कमी हो रही है, तो आंसर में क्या आएगा? 6.25 की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछता है दोस्तों, मशीन पे और जनसंख्या वाले क्वेश्चन है ये। शहर की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है, यदि वह ये जनसंख्या 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी? आपको सिर्फ दोस्तों याद रखना है कि 2 साल बाद पूछा है, 3 साल बाद या 2 साल पहले पूछा है। अब देखिए दोस्तों, बाद वाले के लिए कुछ नहीं करना है, 18,000 दे रखा है हमें। हम सवाल फिर से देख लेते हैं, 18,000 10% को याद रखेंगे हम, क्या 18,000 और दर कितनी है? 10%। अब दोस्तों 2 साल बाद पूछा है हमसे, तो बाद वाले में दोस्तों याद रखेंगे हमेशा, हमें 18,000 दे रखा है। अब बढ़ रही है कितनी दोस्तों? 20
10% की दर से बढ़ रही है और 2 साल बाद पूछा है, तो कुछ नहीं, 110/100 इंटू 110/100। अगर दोस्तों ये 2 साल पहले पूछता, 2 साल पहले क्या थी, तो ये 110 नीचे और 100 ऊपर हो जाता। अब देखिए दोस्तों, 2 जीरो कट गए, 2 जीरो ये गए, 2 जीरो ये गए। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा 11 11 में 121 और 0 बच गया था दोस्तों हमारा उसमें। तो दोस्तों ये कुल मिला के काटा पीटी करेंगे तो 217800 आएगा। यहाँ पे 1 जीरो और है दोस्तों शायद, अभी देख लेते हैं। 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 अच्छा ये आएगा दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों ये 21780। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, ये बिल्कुल अपोजिट है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। ये 4% प्रतिवर्ष, यदि ये 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही हो तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी। अब देखिए दोस्तों, ये 2 साल पहले का बोला है, यानी कि पहले वो का बोला है, तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करते हम, पहले वाले में हम उल्टा कर लेते हैं। देखिए ये 66,600 जैसे हम 100 बटे घट जो तो पूछा है 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अपोजिट करेंगे, 100/104 हो जाएगा ये, और ये 100/104 हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर ये कहता कि 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, तो दोस्तों 104/100 इंटू 104/100। तो ये तो दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम और सवाल करेंगे परसेंटेज पे। थोड़ा लंबा चैप्टर है, काफ़ी सवाल है दोस्तों, काफ़ी वैरायटी है, और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम SSC CGL और कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल MTS UP TET सुपर टेट जूनियर सब में आपको हेल्प करेगा, इवन रेलवे में। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।